और राइट, लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम 3 ऑफ आरएमओ 2023। देखो ये क्वेश्चन कह रहा था, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन एक्सप्रेस्ड इन बेस 10, मतलब अपना नॉर्मल नंबर सिस्टम, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स। ठीक है, तो एस एन हमारा जो भी नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट्स है, राइट। फाइंड द नेचुरल नंबर्स एम एंड एन सच दैट एम शुड बी लेस देन एन एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन स्क्वायर्ड दैट शुड बी इक्वल टू एम एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन स्क्वायर्ड दैट शुड बी इक्वल टू एम। ठीक है, तो जो जो भी m का सम ऑफ डिजिट्स है उसका स्क्वायर n के इक्वल होना चाहिए और n के सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर m के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को है ना हम अपर बाउंड से करते हैं और कुछ कुछ छोटे थोड़े बहुत केसेस चेक करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकली सम ऑफ डिजिट्स है ना, सम ऑफ डिजिट्स काफी कम हो जाता है किसी भी नंबर के लिए जैसे जैसे नंबर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है जैसे कुछ भी 1111 है ना, ये एक नंबर है, इसका सम ऑफ डिजिट सिर्फ 4 है। मतलब 4 डिजिट का अगर मैं मैक्सिमम नंबर लेता हूँ 9999, इसका सम ऑफ डिजिट्स आता है 36, राइट। ऐसे 5 डिजिट्स का मैक्सिमम नंबर क्या होगा 9999, है ना, इसका सम ऑफ डिजिट्स 45 ही हुआ, सिर्फ 9 से बड़ा सम ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम सम, राइट। बट यहाँ पर स्क्वायर भी है, स्क्वायर क्वांटिटी को बढ़ा देगा, है ना। तो अगर छोटे नंबर है तो उसका स्क्वायर मैटर करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 18, 18 का सम ऑफ डिजिट्स कितना है 9, राइट, और उसका स्क्वायर कितना हो गया 81। तो छोटे नंबर्स के लिए सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर स्क्वायर बेसिकली नंबर को बढ़ा रहा है, बट अगर नंबर बड़ा है, अब नंबर कितना बड़ा हो रहा है और स्क्वायर्स कितने से बढ़ रहा है उस पे भी मैटर करेगा। तो है ना, हम अपर बाउंड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल क्या इस वाले रिलेशन से मैं बोल सकता हूं s ऑफ m, जैसे s ऑफ m स्क्वायर ये हमें लिखा हुआ है, ये n के इक्वल है ना, और n किससे बड़ा था m से, तो क्या नहीं से दिस इज ग्रेटर देन m, ये m से बड़ा होगा। अब लेट्स ट्राई टू फाइंड कि m मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का हो सकता है। अगर मैं m को लेट्स से नंबर ऑफ डिजिट्स इन m 5 है, तो मैक्सिमम नंबर कितना होगा 5 डिजिट का, m 9999। ठीक है, तो सम ऑफ m, अगर मैं m को एक 5 डिजिट का नंबर बोल रहा हूं, तो सम ऑफ m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45, मेक सेंस। 45 भी तब बनेगा जब ये मैक्सिमम पर जा रहा हो अपने, मतलब सारे नंबर सारे डिजिट्स इसके 9 हो। तो एस एम स्क्वायर्ड ये ऑब्वियसली लेस देन कितना होना चाहिए 2025, विच इज अ 4 डिजिट नंबर, बट ये हमारा एम से बड़ा है। तो एक 4 डिजिट नंबर या उससे छोटा नंबर एक 5 डिजिट नंबर से बड़ा है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन एम कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये हमेशा 4 या 4 से छोटे होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ m। देखो अभी एक ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिला आपने को, m के नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे 4 या 4 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर sm, 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर m, m बेसिकली 4 डिजिट का 999 बन सकते हैं। तो सम ऑफ m की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 36। तो एस एम का स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 36 का स्क्वायर, ये यानी कि 1296। अब एम इससे छोटा है तो कैन आई से एम तो इससे भी छोटा है, तो कैन आई से एम हमेशा 1296 से छोटा होगा। ठीक है, एम हमेशा 1296 से छोटा होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अगर एम 1296 से छोटा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एस ऑफ एम 1296 से छोटे जितने भी नंबर है उनमें से सबसे बड़ा सम ऑफ डिजिट्स किसका बनेगा, सोच के बताओ। 1296 से छोटे जितने भी नंबर है सबसे बड़ा सम ऑफ डिजिट्स 1999 के लिए बनेगा, कितना बन रही है 27 और 28, सॉरी ये तो बड़ा हो गया इससे, तो बेसिकली 999 के लिए मान लो। 1296 से छोटा नंबर जितने में सबसे कम नंबर है सबसे ज्यादा सम ऑफ डिजिट्स 999 के लिए बनेगा। उसके देखो, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 1 1 करता हूँ या 1 0 करता हूँ वो तो ऑब्वियसली फिर बहुत कम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9999 भी रख लो तब भी नहीं बात बनेगी। तो मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। तो कह रहे हैं से सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 27। तो दैट मीन्स n जो कि सम ऑफ m का स्क्वायर था दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 27 स्क्वायर, और 27 स्क्वायर कितना होता है 729। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एम जो है 729 से छोटा होगा भैया, ये बात समझ में आ रही है, एन 729 से छोटा हो तो एम
एम तो एन से भी छोटा है, एम शुड बी लेस देन 729, एम 729 से भी छोटा होगा। अब अगर मैं सेम चीज को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भैया 729 से छोटा जितने भी नंबर है उसमें बेसिकली सबसे ज्यादा सम ऑफ डिजिट्स किस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा? अगर आप सोचोगे तो दैट शुड बी 699। 729 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा सम ऑफ डिजिट 699 का होना चाहिए। कहने से सम ऑफ एस ऑफ एम दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना बनता है, 9 और 9 18 और 6 24, ये 24 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इससे मैं एन की वैल्यू थोड़ी सी और कम कर पा रहा हूँ, ठीक है? देखो कितनी कर पा रहा हूँ मैं, एस ऑफ एम लेस देन और इक्वल टू 24 हुआ तो एस ऑफ एम स्क्वायर्ड जो कि एन के इक्वल था है ना, वो किससे लेस देन और इक्वल टू 576 हो गया। ये बात समझ में आनी चाहिए। एम तो उससे भी छोटा था, तो खैर नहीं, अब मैं यहां से बोल सकता हूँ एम 576 से छोटा हुआ। अब फिर से मैं सेम चीज दोबारा रिपीट करता हूँ, 576 से छोटे सबसे बड़ा सम किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा? क्या वो आपको 499 के कॉरस्पॉन्डिंग नजर आ रहा है? वो तो ज्यादा कुछ वैल्यू हमारी वो न्यू रिड्यूस्ड नहीं, बट चलो फिर भी थोड़ा सा दो ही नंबर का हुआ है ना। पहले हमने 24 तक क्लेम किया था, अब ये कितना बन रहा है, 9 और 9 18 और 4 22। तो कहने से एस ऑफ एम लेस देन और इक्वल टू 22 होगा, राइट? तो एन जो हुआ विच इज एस एम का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 22 स्क्वायर यानी कि 484, ठीक है? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब यार यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। अब फर्दर अगर मैं प्रोसीड करूंगा मेरे को बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर भी आप सोचने की कोशिश करो, 24 से मैं 22 तक ही आ पाया, वो मैं मैनुअली भी चेक कर सकते थे, है ना? तो 22 स्क्वायर से अगर अपन मैनुअली चेक करने की कोशिश करते हैं तो देखो, अब अगर एम ऑब्वियसली इससे छोटा है तो एम 21 या 21 से छोटा ही होगा, ठीक है? एम एन से छोटा है ना। तो बेसिकली अगर अब मैं जाता हूँ एम पर, ठीक यहां से हम ये तो बोल सकते हैं एम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 21 स्क्वायर, क्योंकि एम एक परफेक्ट स्क्वायर है, एम भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है? तो अब हम है ना इसी चीज को दोबारा देखते हैं। हमने ये क्लेम कर लिया एम लेस देन और इक्वल टू 21 स्क्वायर, तो अब मैं क्या करता हूँ एम की वैल्यूज डालता हूँ, और फिर मैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एम निकालता हूँ, ठीक? अब एम अगर मान लो आपका 21 है तो 21 स्क्वायर कितना हो गया, 484। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एम, सॉरी एम अगर 21 स्क्वायर है तो ये हो गया 441, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 9। तो ऑब्वियसली एन जो होगा, एन कितना बन गया, सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर यानी एन की वैल्यू होगी आपकी 81, जो कि ऑब्वियसली कम है ना, एम एम से कम है, एम 21 स्क्वायर था। सिमिलरली 20 स्क्वायर के लिए 400 होता है, सम ऑफ डिजिट्स 4 हुआ तो ये 16 हुआ, ऑब्वियसली रिजेक्टेड है ये, क्योंकि एन हमारा एम से बड़ा होना चाहिए, है ना? अब अगर मैं एम को लेता हूँ 19 स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर हो जाता है आपका 361। स्टिल इसका सम कितना आ रहा है, 639 प्लस 110, और एन हो गया हमारा 100, विच इज अगेन 19 स्क्वायर से कम है, 10 स्क्वायर बन रहे। अगर मैं लेता हूँ इसको 18 स्क्वायर, तो ये सम आता है 324, तो ये बनता है 4 3 7 2 9 स्क्वायर, स्टिल ये कम आ रहा है ना। अगर हम इसको 17 स्क्वायर लेते हैं, दिस बिकम्स 289, तो ये बनता है 9 और 8 17 तो 19, 19 स्क्वायर। चलो एटलीस्ट अब यहाँ पर बड़ा तो आया, ठीक। तो अगर अब मैं इन वैल्यूज को देखता हूँ तो 19 स्क्वायर हमारा कितना था, 361 है ना, 36। अब मतलब बेसिकली अगर मैं एम को मानता हूँ 289 और एन को मैं अगर मानता हूँ 19 स्क्वायर विच इज 361, क्या ये सेटिस्फाई करा है? एम के लिए तो कराएगा एटलीस्ट, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एम बनता है आपका 17, और 17 स्क्वायर हमने सॉरी 19 19 स्क्वायर हमने देखा था 361 है, बट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन ये कितना बना, 10, और 10 स्क्वायर इज नॉट 100, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। ऑल्दो यहाँ पर एन बड़ा आया था बट स्टिल इट गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है? 16 स्क्वायर की बात करता हूँ, वो 256, 6 5 11 और 2 13, 13 स्क्वायर, ठीक है? तो ये बात नहीं बनेगी, यस, ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी क्या कहते हैं 15 स्क्वायर, ये भी गलत हो गया ना हमारा, 15 स्क्वायर 225, ये तो क्लियरली 9 स्क्वायर गलत, ठीक है? थोड़ा और आगे टेबल बनाते हैं, एम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एम एंड देन एन,
है, 15 तक हम पहुंच गए थे, 14 स्क्वायर विच इज 196, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बन गई, 9 से 15 और 1 16, 16। तो क्या 16 स्क्वायर बड़ी तो बन रही है, बट 16 पे सम कितना आ रहा था, 13 आ रहा था, है ना। एज यू कैन सी, मतलब अगर मैं एम को 196 मानता हूँ और एन को 256, तो ये चीज तो वैलिड हो जाएगी, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। एस ऑफ एन कितना बन रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, 6, 5, 11, 2, 13, 13 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एम, है ना। तो इस वजह से ये भी रिजेक्टेड होगा। अब एम अगर 13 स्क्वायर है तो 169, है ना, इसका सम हो गया आपका 9, 15, 16 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर 16 स्क्वायर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर भी 16 स्क्वायर 13 स्क्वायर था, है ना, तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। मतलब एम अगर हमारा 169 होता है और एन अगर हमारा 256 होता है, तो हमारी ये दोनों तीनों इक्वेशन रादर सेटिस्फाई होंगी, तीनों कंडीशन, एन ग्रेटर देन एम है, बिल्कुल है, ठीक है। ये मैं एक सेकंड रुको, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, क्या हमारा एन ग्रेटर देन एम है, यस। क्या एम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन का स्क्वायर है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन कितना बन रहा है, 13, 13 का स्क्वायर इज 169। क्या एन हमारा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एम का स्क्वायर है, यस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एम बन रहा है 16, 16 स्क्वायर इज 256। तो एक हमारा सॉल्यूशन ये आ गया, बेसिकली एम इक्वल टू 169 एंड एन इक्वल टू 256, एक तो सॉल्यूशन ये आ गया। आगे भी चेक कर लेते हैं, ज्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं। 12 स्क्वायर 144, 9 स्क्वायर, है ना, गलत। 11 स्क्वायर 121, 4 स्क्वायर, गलत, क्योंकि n छोटा आ रहा है ना। 10 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर। 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर, m इक्वल टू n आ गया। 8 स्क्वायर 64, 100, 10 स्क्वायर, बट 10 स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट्स 1 होता है, तो उल्टा रिलेशन, मतलब बेसिकली ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। 7 स्क्वायर 49, 13, 13 स्क्वायर, बेसिकली अब 13 स्क्वायर 169 होता है, 169 के लिए आपका ये वाला सम ऑफ डिजिट ज्यादा बन रहे, तो ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। 6 स्क्वायर 36, ये बनता आपका 9 स्क्वायर 81, 81 का सम ऑफ डिजिट 6 नहीं बनता, है ना। सिमिलरली अब कुछ एक वैल्यूज रह गई हैं, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट मी इरेज सम वैल्यूज, मतलब बेसिकली अब तो ये कुछ तीन वैल्यूज इरेज कर देते हैं, ऊपर भी कहाँ तक पहुँच गए थे हम, 6 स्क्वायर तक ना, तो 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का सम 49, 49 का सम ऑफ डिजिट इज नॉट 5, ठीक है। एंड सिमिलरली 4 स्क्वायर 16, 16 7, 7 स्क्वायर इज अगेन 49, सम ऑफ डिजिट इज नॉट 4। 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर अगेन 81 का सम ऑफ डिजिट इज नॉट 3। 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर इज 16, 16 का सम ऑफ डिजिट इज नॉट 1। 1 स्क्वायर 1, 1 1 1 तो वैसे ही गलत हो रहा है, क्योंकि m इक्वल टू n। तो ओनली सॉल्यूशन इज 169, 256, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा आपको अपर बाउंड करना था, बाउंडिंग थी, हमें केसेस को रिस्ट्रिक्ट करना था। अब पहले हमने देखा कि भैया ये जो है वो एक फोर डिजिट नंबर या उससे छोटा बन सकता है, फिर फोर डिजिट को भी हमने रिजेक्ट किया, धीरे 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 वो हम 441 टाइप्स में आ गए थे, 21 स्क्वायर के टाइप्स में, ठीक है। फिर बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम केसेस, है ना, और बड़ी जल्दी रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। तो दैट वॉज प्रॉब्लम 3 ऑफ RMO 2023।